हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एसचेस ऑलराउंडर में। मैं आज आया हूँ नोएडा सेक्टर 61 में, क्रिश्चियन होम्स में। यहाँ पर वेरियस साइज के प्लॉट्स कह रहा हूँ, सॉरी, फ्लैट्स हैं। 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK भी है, और आई थिंक 2+ स्टडी भी है। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, तो बातचीत होगी तो पता लग जाएगा। और इनके जो प्राइजेज हैं काफ़ी अच्छे हैं, स्टार्टिंग भी लगभग 18-18.5 लाख से हो रही है। और मैंने इनसे काफ़ी डिटेलिंग में बात की है, इवन कि मैंने वो भी पूछा है जो इशू आजकल बहुत आ रहा है फ्री होल्ड को लेकर भी। मैं, आप जानते हो, मेरा पिछला वीडियो भी आया था, तो मैंने एकदम क्लियर कट इसमें क्वेश्चन पूछे हैं उनसे, ताकि वीडियो में ऑन रिकॉर्ड वो बताएं जो भी प्रॉब्लम है या सही है या गलत है। क्योंकि सोसाइटी रोड के मतलब आई थिंक 700-800 मीटर नहीं, मतलब हाँ, इससे 1 किलोमीटर अंदर ही है समझ लो अप्रॉक्स। 1 किलोमीटर तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा हो गया, 700-800 मीटर भी कमी है। मेन रोड से तो काफ़ी अंदर है 1 किलोमीटर, लेकिन जो एक सर्विस मेन रोड होती है दूसरी वाली जो स्टेलर जीवन के पीछे है उससे, तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है क्योंकि ऑन रोड प्रोजेक्ट है। तो मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि इनके पास कमर्शियल भी है, पूरा का पूरा नीचे कमर्शियल है, मैंने देखा है। उसका भी म्यूज़िक वीडियो में आपको सारा पता चली जाएगा जो आप इस इंट्रो से पहले आएगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं, रोहित जी से पूरे प्रोजेक्ट की समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं क्रिश्चियन होम्स में आ गया हूँ। यहाँ पर 2 BHK है और मिस्टर रोहित जो हैं वो मुझे इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरे फ्लैट के बारे में और सोसाइटी के बारे में। तो उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग रोहित जी। वेरी गुड मॉर्निंग भाटिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया। आज तो सुबह सुबह उठा के बुला लिया आपने मुझे। अब मुझे ये बताओ, ये आपका, क्योंकि मैं जहाँ तक पहले आया था तब तो ये बिल्कुल रॉ फ्लैट था जब मैंने किया था, बिल्कुल रॉ था, और अब आपने पूरा सेटअप कर दिया है। सेटअप कर दिया इसका प्रॉपरली। इसका साइज कितना है? इसका 945 स्क्वायर फीट है। 945 स्क्वायर फीट। ओके, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। ओके, अब हम इसे फर्निश देने वाले हैं या मतलब किस तरह से देने वाले हैं? ड्राइंग डाइनिंग आपका रहेगा, ये पूरा फ्लैट रहेगा, सेमी फर्निश आपका। सेमी फर्निश, ये अपना टीवी पैनल वगैरह लगा के दोगे? नहीं, टीवी पैनल इसमें लगा के हम नहीं देंगे। अच्छा, 1.5-2 लाख रुपए का सामान हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। अच्छा, एक्स्ट्रा डाला हुआ है। ये अपना वॉशरूम एरिया, ये वॉशरूम हो जाएगा आपका। ओके, इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है, ठीक है। इस पर टीवी पैनल, ये वॉलपेपर की चॉइस क्या हम लगा के देंगे या मतलब? वॉलपेपर तो हम, अगर आप चाहें कि आप लगा के मतलब कलर चॉइस वगैरह आप करके, तो वो कर सकता है क्लाइंट? वो आप कर सकते हैं कलर चॉइस वगैरह, इसमें एक अलग से कुछ चार्ज होंगे, वो लगा के हम दे देंगे, लेकिन चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, हाँ, काफी स्पेस भी है। अगर आप किचन में भी देखेंगे तो किचन में भी काफी अच्छा स्पेस है, बकायदा इसमें रो भी है। ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी चिमनी का स्पेस हो गया, बिल्कुल स्पेस ऊपर। यहाँ चिमनी के लिए है, चिमनी गीजर आरो सारे लगा सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन भी है इसमें। आप देखेंगे मास्टर बेडरूम, आप देखेंगे तो मास्टर बेडरूम में भी, आप क्वालिटी देखिए इसमें, क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। आप टाइल्स देखेंगे, टाइल्स भी आपको अच्छी मिलेगी काफी होने, ये मास्टर बेडरूम है। वॉशरूम भी सफिशियंट इसमें स्पेस है, 5x7 का आपका वॉशरूम मिल जाएगा। बॉटरूम भी हमारे जो मास्टर बेडरूम का साइज है 10x12 है, 10x12, हाँ 10x12 ये साइज मिल जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या भाई, 5x10 का आपको ये बालकनी मिल जाएगी, 5x10 का, इसमें स्पेस भी काफी अच्छा, बालकनी में भी स्पेस काफी अच्छा आप देखेंगे। ओके, उधर से अंदर चलते हैं। इसमें एक फ्लोर पे कितने फ्लैट है? इसमें एक फ्लोर पे 8 है। और कितने फ्लोर की बिल्डिंग है ये? ये G+3 है। G+3 है जी। कमर्शियल नीचे है? कमर्शियल नीचे रहेगा पूरा। ओके, ये रूम कितने बाई कितने का? ये भी 10x12 का, ये बेडरूम आपको मिल जाएगा 10x12 में। ये हम आपको जो कवर्ड है वो लगा के दे रहे हैं। कवर्ड आप लगा के दे रहे हैं? हाँ, कवर्ड इसमें लगा के दे रहे हैं। ओके जी, कवर्ड इसमें लगा के दे रहे हैं। और यहाँ से ये बालकनी भी दिखी थी, दोनों बेडरूम में। अच्छा, जो अटैच आपने भी दिखाई थी पूरी की पूरी। अच्छा अच्छा जी, अटैच है कनेक्टिविटी तो मुझे भी पता है यहाँ पे अच्छी है। मैं बता दूँ आपको कि कुछ क्लाइंटों की ज्यादा इश्यू इस चीज को लेके रहते हैं, डरे हुए सहमे हुए रह रहे हैं बिल्डोजर को लेके। हाँ बिल्कुल, वो तो है, क्योंकि मेरी वीडियोस भी आप जानते हो उस पे आ रही हैं लगातार, बिल्कुल, तो उस पर जवाब मुझे भी तो चाहिए। कुछ लोग करते हैं कमिटमेंट, तो मैं बता दूं, जैसे कि आपसे, आपके जुड़े हुए, आपके साथ में जो वायर्स है, यहाँ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन होती है, मेन रोड है ना, उससे अगर 700 मीटर अंदर है तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि उससे जो 700 मीटर है ना वो अंदर होना चाहिए। उसमें यह है कि आप सेफ और सिक्योर रहेंगे, क्योंकि उसमें अथॉरिटी कभी भी अपना प्लान ला सकती है, जैसे ग्रीन बेल्ट है या कुछ भी है, तो वो कभी भी वहाँ कार्रवाई कर सकती है।
जो 700 मीटर मेन रोड से अंदर होंगे तो आप नो डाउट उसमें आराम से आप ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जमीन को लेकर यानी कोई समस्या नहीं, कोई तरीके की। सबसे ज्यादा लोगों का यही तो रहता है कंसर्न कि लोग मतलब भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं अपना पूरा पैसा मेहनत इतनी मेहनत की है, हमारा पैसा कुछ बैंक बैलेंस है और आने वाले समय में भी मैं लगाऊंगा पैसा, ठीक है। तो क्लाइंट का भी एक सोचना इतना बनता है, लेकिन यहाँ डरने वाली एक भी परसेंट बात। अच्छा ये बताइए इस पे इसकी जो प्राइस है वो क्या है? इसकी प्राइस है 27 लाख। इसमें सब कुछ इंक्लूड है? नहीं, 20 इसमें रजिस्ट्री अलग से होगी, रजिस्ट्री को छोड़ के मतलब। हाँ, बाकी सारी चीजें पार्किंग वगैरह, वो पार्किंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। पावर का बैकअप क्या है यहाँ पर? पावर बैकअप मिलेगा आपको। ओके। हाँ, और जीएसटी इसमें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जीएसटी आप इंक्लूड करके ही बता रहे हैं? इंक्लूड करके बता रहे हैं। अच्छा, और फाइनेंस कहाँ से हो जाएगा? ये फाइनेंस हो जाएगा आपका जीआईसी जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, और हिंदुजा से हो जाएगा आपको, आईसीआईसी हाउसिंग से हो जाएगा, तो कई सारे ऐसे हैं जिससे आपका वो हो जाएगा। ओके, रजिस्ट्री कहाँ पर होगी इसकी? दादरी होगी। दादरी में रजिस्ट्री होगी जी। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर खाली 2 BHK का साइज है या और भी साइज है? यहाँ बाकी आपको बताऊँ, यहाँ 2 BHK भी मिल जाएंगे, 2+ study भी है अपने पास में, और 1 BHK भी है, कॉमर्शियल भी है। और स्टार्टिंग कितने में? स्टार्टिंग 18.5 लाख से 1 BHK। साढ़े, उसका साइज क्या होगा? साइज 650 स्क्वायर फीट रहेगा उसका। साइज तो ठीक है। इसी सोसाइटी में है किसी? हाँ, इसी सोसाइटी में। अच्छा, इसी सोसाइटी में। इसी चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ठीक है रोहित जी, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ एंड लेट्स सी। बाकी कोई डॉक्यूमेंट